अफगानिस्तान के खिलाफ भारत ने मैच तो जीत लिया, लेकिन कोहली को मिली बड़ी सजा। नमस्कार, 22 जून शनिवार के दिन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का 28वां मैच खेला गया, जिसके भारत ने अफगानिस्तान को 11 रनों से हराकर एक शानदार जीत दर्ज की। उतार चढ़ाव वाले इस रोमांचक मैच में ये अनुमान लगाना काफी मुश्किल था कि अंत में किस टीम की जीत होगी। तनाव भरे इस माहौल में विराट कोहली से एक बड़ी गलती हो गई, जिसकी सजा भी उन्हें मिल गई। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए नजदीकी मुकाबले भारतीय कप्तान विराट कोहली काफी आक्रामक नजर आ रहे थे। गौरतलब है कि विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ पखवाड़ा LBW की अपील करते हुए अपने आक्रामक रवैये के साथ अंपायर अलीम गर्ग के पास चले गए थे, जहां उन्होंने गलत तरीके से LBW की अपील की। ICC ने विराट कोहली को एक आधार संहिता के उल्लंघन मामले में दोषी पाया है और उनके इस व्यवहार के चलते विराट कोहली पर आचार संहिता के 70(1) के तहत मैच फीस का 25% का जुर्माना लगाया गया। विराट कोहली ने भी अपनी गलती मानते हुए सजा को स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।